देखेगा कि जिसके में आप IMEI डाल रहे हो, मतलब दूसरी डाल रहे हो, वो बंदा आपके भरोसे लायक है कि नहीं, समझ जी। रहे हैं बात अच्छा को? एक और चीज समझना होगा, जैसे कि कीपैड बटन के जो होते हैं, जो बेसिक फोन के IMEI को भी किसी भी फोन में डाल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक, मतलब एंड्रॉइड IMEI में डाल दिया तो एंड्रॉइड। कोई भी IMEI आप किसी में भी डाल सकते हो। IMEI का एंड्रॉइड और बेसिक से कोई लेना देना नहीं है भाई। अब जैसे जैसे एक नाम है राजा, राजा नाम का आपको कहीं ना कहीं भिखारी भी मिल जाएगा, और राजा नाम का करोड़पति भी मिल जाएगा, और राजा नाम का मिडिल क्लास का भी मिल जाएगा आदमी। तो इससे राजा नाम रख लेने से बंदा राजा थोड़ी ना हो जाएगा। तो वैसे ही IMEI नंबर का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इक्विपमेंट नंबर जी। तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल क्रमांक संख्या, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मोबाइल क्रमांक संख्या, जिसके मतलब एक प्रकार का वो होता है मोबाइल का सीरियल नंबर, इंटरनेशनल सीरियल नंबर। तो इंटरनेशनल सीरियल नंबर से होता क्या है कि आपको मोबाइल के आपका IMEI से आपके मोबाइल के मॉडल नंबर की पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना? तो IMEI आप किसी का भी किसी में डाल सकते हो, लेकिन मेन चीज IMEI नंबर को चेंज करना इलीगल होता है। ये जो जरूरी बात है ये मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं कि किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर बदलना इलीगल होता है। और ये ध्यान रख के चलिए कि अगर पुलिस की टीम ने आपको उठाया IMEI चेंज करने के इल्जाम में, तो 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। अगर पुलिस ने केस बना दिया आपके ऊपर, तो 6 महीने तक जमानत नहीं होती है IMEI बदलने के केस में। अब देखिए बात को समझिए, IMEI नंबर सभी कोई बदलता है, मार्केट में जितने लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं सबके सब IMEI बदलते हैं, लेकिन IMEI बदलने के पीछे का कारण निर्भर करता है IMEI बदलने की वजह के ऊपर। कि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कीपैड वाला फोन आया, छोटा सा हैंग ऑन लोगो है, हमने फ्लैशिंग करी। अब हमने फ्लैशिंग करी तो हमारे पास रीड की हुई फाइल पहले की पड़ी हुई थी, या हमने नेट से फाइल डाउनलोड करी वो हमको डॉट बिन मिल गई। अब डॉट बिन फाइल के बारे में तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये बॉक्स से ही राइट होगी। आपने बॉक्स से उठा करके उस फाइल को राइट कर दिया, मोबाइल चालू हो गया। मोबाइल तो चालू हो गया, लेकिन ये मोबाइल जो अब जो मोबाइल चालू हुआ है, ये उस मोबाइल का क्लोन बन गया जिस मोबाइल की फाइल आपने उसमें डाली है। क्लोन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? क्लोन का मतलब हूबहू कॉपी, ठीक है? तो उस फोन का फोन बुक हो गया। जैसे सपोज कि मेरे पास भी सेम मॉडल है, सुमित के पास भी सेम मॉडल है, और योगेश के पास भी सेम मॉडल है। हम लोगों के मोबाइल के मॉडल तो सेम है, लेकिन हम लोगों का डाटा थोड़ी ना सेम है, हम लोगों के IMEI नंबर थोड़ी ना सेम है, क्यों सुमित जी? भाई हमारी फोन बुक जो है वो आपकी फोन बुक से तो अलग ही होगी, दो चार नंबर हम लोगों में कॉमन होंगे, लेकिन बाकी सारी फोन बुक तो अलग होगी ना भाई। आपके चाचा का नंबर अलग होगा, मेरे चाचा का नंबर अलग होगा, आपके पापा का नंबर अलग होगा, मेरे पापा का नंबर अलग होगा। नाम भले ही पापा नाम से हम दोनों को लोगों ने सेव किए हो, लेकिन अंदर नंबर तो अलग अलग मिलेगा, ठीक है? तो क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपने मुझसे कहा सर जी मेरा फोन डेड हो गया है, मुझे इस मॉडल की फ्लैश फाइल चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना वाला फोन मिराकल पे कनेक्ट कराया, रीड फ्लैश करा, और रीड फ्लैश करके फाइल आपको दे दी। तो जिस टाइम मैंने रीड फ्लैश किया, तो मेरे मिराकल ने मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद सारी की सारी फाइलों को सेव कर लिया, और आपको मिला, आपको भी वही फाइल दी गई, और योगेश जी के पास भी वही मॉडल था, तो योगेश जी को भी वही फाइल दे दी हमने।
अब आपने भी फ्लैशिंग कर दी उस फाइल से और योगेश जी ने भी उसी फाइल से फ्लैशिंग कर दी। अब दोनों लोगों ने फ्लैशिंग तो कर दी, फ्लैशिंग करने के बाद दोनों लोगों के फोन भी चालू हो गए, लेकिन सुमित के में भी आईएमआई वही हो गई जो मेरे मोबाइल की थी और योगेश के में भी आईएमआई वही हो गई जो मेरे मोबाइल की थी। मेरे मोबाइल में जो फोन बुक थी वो आपके मोबाइल में चली गई और योगेश जी के भी मोबाइल में पूरा का पूरा डेटा एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, इवन आपके में घंटी भी वही बजेगी जो मेरे में घंटी लगी हुई थी, रीड करते समय जो घंटी मैंने लगा रखी थी वही घंटी आपके में भी बजेगी। तो जाने अनजाने ही सही, लेकिन आईएमआई तो आपके फोन की बदल गई ना। तो अब यहां पे आपको अपना दिमाग ये लगाना है कि उस सेट के पीछे की मौजूद आईएमआई आप वापस उस मोबाइल में डाल दीजिए और फोन को एक बार फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट कर देने से मेरी सारी यादें खत्म हो जाएंगी फोन से, ठीक है, लेकिन आईएमआई मौजूद रहेगी फिर भी मेरे मोबाइल की। तो अब आप चेंज आईएमआई बटन के द्वारा जो आपके फोन की आईएमआई है वो अपने फोन में वापस डाल लीजिए, तो आपके मोबाइल के अंदर अब मेरा कोई भी नामो निशान नहीं बचा और आपका फोन अपना फोन बन गया। और अगर आईएमआई नंबर नहीं डालते हो तो मेरा ही आईएमआई आपके में चलता रहेगा। और सपोज मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मेरा नंबर जो है वो सर्विलांस पे पड़ गया है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैंने अपना तो मोबाइल तोड़ तोड़ के फेंक दिया, लेकिन मेरे मोबाइल की आईएमआई तो आप लोगों के में चल रही है ना। जैसे ही आप लोग सिम डालोगे आप लोग का मोबाइल ट्रैक होगा, आप लोग का ट्रैक होगा, पुलिस आप तक पहुंचेगी, आप तक पहुंचेगी, वो देख लेगी कि हाँ भाई मोबाइल अलग है, आईएमआई अलग है, किसी वजह से आईएमआई चेंज हो गई है। लेकिन अब पुलिस ने इतनी मेहनत करी, आपको ट्रैक किया, तो अब पुलिस इतनी आसानी से तो आपको छोड़ेगी नहीं, नहीं कत्ल के इल्जाम में तुमको पकड़ेगी। कत्ल के इल्जाम में तुमको भले ना पकड़े लेकिन आईएमआई चेंज करने के इल्जाम में तो पकड़ ही लेगी। पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? तो इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए पहले आप फ्लैश फाइल हमारी इस्तेमाल कीजिए, आईएमआई बदलना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आप सेट के पीछे वाला ही आईएमआई डाल दीजिए ताकि आईएमआई चेंज वाले केस से आप बच जाए। अच्छा, इसमें ये सर कि अपन को जब डालेंगे हम तो उसमें न्यू बीटी बटन नहीं दबाएंगे क्योंकि फॉर्मेट करना पड़ेगा उसमें, तो सिर्फ रीबिल्ड लगा के ही करेंगे जो लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, लंबे वाले प्रोसेस से करेंगे, सिर्फ रीबिल्ड से जी। न्यू बीटी प्रोसेस हम लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, हम सभी लोग न्यू बीटी का इस्तेमाल, मतलब कच्ची वाली आईएमआई डालते हैं, कच्ची आईएमआई। और एक इसका बेनिफिट भी है, ये आपके बचाने के लिए भी काम की है। मान लीजिए किसी कोई मोबाइल जैसे ये आपका बचत भी है, ये आपके लिए दो प्रकार से प्लस पॉइंट है। पहला तो कमाई के रूप से प्लस पॉइंट है, दूसरा आपकी बचत के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कच्ची आईएमआई करी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मोबाइल आपके पास सऊदी से आया, चाइनीज वाला, सऊदी से या बैंकॉक से या थाईलैंड से जो मोबाइल आते हैं वो इंडिया में आकर के चलते नहीं है, उनमें नेटवर्क नहीं आता है, तो हमारे सामने मजबूरी हो जाती है कि उन मोबाइलों में हमको इंडियन आईएमआई डालनी पड़ती है। इंडियन आईएमआई हम किसी भी डेड मोबाइल की उठा के डाल देंगे और उन फोन में इंडियन सिम चलना चालू हो जाता है। लेकिन अगर वो फोन मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और वो आपके पास आ गया कि तुमने इस मोबाइल की आईएमआई चेंज करी है, तो सीधे को लाइए सर एक मिनट चेक करें कहां चेंज करी है, तुरंत हाथ में लेकर के फोन फॉर्मेट मार दो। जैसे ही फॉर्मेट मारोगे वही आईएमआई हो जाएगी जो पहले थी, हो जाएगी। अब आप पुलिस वाले के हाथ में वापस दे दो, कह दो भैया कहां चेंज करी है, हमने देखो कहीं चेंज करी तो बताओ, यही खुद अपना करीन होगा जो करीन होगा। समझ गए आप? जी सर। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पे लगाओगे तो वो पुलिस वाला आपको कंप्यूटर पे तो लगाने देगा नहीं, लेकिन मोबाइल तो आप लाइए सर, जरा देखे मैंने कहां आईएमआई चेंज करी है, और जैसे ही आपके हाथ में फोन आया खट से उसको फॉरवर्ड मार दो। अब जब उसके हाथ में कोई सबूत ही नहीं बचा कि आपने एक कांड किया है, तो वो आपको किस बेसिस पे गिरफ्तार करेगा?
तो ये आपके बचत के लिए भी है न्यू बीटी और आपके प्रॉफिट के लिए भी है। और अगर आपने मान लीजिए बिना न्यू बीटी के उसमें आईएमआई राइट करी होती तो आप चाहे लाख फॉर्मेट कर लेते फोन, आईएमआई मौजूद रहती, वही आपकी बदली हुई और फिर आपके लिए वो नुकसानदायक होती। इसलिए चॉइस आपकी रहती है। हम आपको सारे ही बटन्स के बारे में बताते हैं कि कौन सा बटन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, फिर उस काम को करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर 100% डिपेंड करता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि आईएमआई चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी बताया कि कुछ केसेस में आपको आईएमआई चेंज करना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अब क्या है कि आईएमआई चेंज अगर आप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो तो वो एक बार इलीगल नहीं है, इलीगल होते हुए भी इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप पैसे कमाने के लिए आईएमआई चेंज कर रहे हो, कि जैसे किसी का चोरी का मोबाइल आपको मिला, अब आप उसमें दूसरी आईएमआई डाल करके मोबाइल चला रहे हो इसलिए कि वो मोबाइल कहीं ट्रैक ना हो रहा हो, तो ये आपका क्लियर कट आपका जो है वो क्राइम में आता है। समझ गए आप? कोई बंदा सऊदी से मोबाइल लेकर के आया है तो उसने सऊदी में पैसे दे करके ही खरीदा है, चोरी का नहीं है उसका, तो मतलब कि वो बंदा चोर नहीं है, ना उसकी नियत चोरी की है। तो जिसकी नियत चोरी की नहीं है उसके लिए आप आईएमआई चेंज करके दे सकते हो उसे। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी पैटर्न लॉक लगा हुआ लेकर के आया, पहले पैटर्न खुलवाया आपसे, बाद में धीरे से कहता भैया इसकी आईएमआई भी बदल दो, हम आपको 500 रुपए देंगे आईएमआई बदल दो, आपने भी 500 रुपए के लालच में उसकी आईएमआई बदल दी, तो ये आपने गलत किया। सर, और जो बूट वाला ऑप्शन है सर, इसका भी कोई काम है? स्क्रीन शेयर दिखाइए। कहाँ पे बूट के बटन है जरा क्लिक करके हमको दिखाइए कि किस बटन के बारे में बात कर रहे हो आप। योगेश जी, किस बटन के बारे में बात कर रहे हो? किस बटन की बात आपने करी है योगेश जी? जिस बटन की बात करी उस पर माउस रखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने क्या बोला कुछ नहीं सुनाई दिया। सर, ये जहाँ पे हम लोग ऑटो कनेक्ट दिया सर, फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट यूनिवर्सल, ये ऑप्शन काम का है सर? ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है एमटीके में। एमटीके में ये ऑप्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। 100 में से किसी एक मोबाइल पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एरर मैसेज आएगा कि भैया हम बूट नहीं बदल पा रहे हैं, आप ही मैनुअल बूट लगा दो कोई। तो ये अलग अलग बूट्स दिए हुए हैं, आपको बारी बारी बूट लगा करके चेक करना होगा। बाकी 99.99%